एक्सरसाइज 11.3 देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन दिस फिगर, व्हिच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। दो बॉक्स आप देख रहे हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन सा बॉक्स ऐसा है जो कम मटेरियल से, कम सामान से, रिसोर्सेज से बन जाएगा। ये 60 इसकी मतलब लेंथ, क्यूबॉइड जो होता है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, और विड्थ को ब्रेथ भी कहते हैं। इसमें देखिए तीनों साइड इक्वल है, 50 50 50, यहाँ पर 60 40 और 50 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइडल बॉक्स का होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जिसमें एल लेंथ है, बी ब्रेथ है और एच हाइट है। लेंथ 60 दी हुई है, बी 40 दिया हुआ है, एच 50 दिया हुआ है, यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। इसे कंप्यूट करिए, आपका 14,800 आएगा। दूसरे पे जाते हैं, क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसमें ये फॉर्मूला वही लगाएंगे आप, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इस एल बी प्लस बी एच एल एच एल में बस ये है कि अगर मान लीजिए सबको एल ही मान लीजिए, सबका साइड एक ही है, तो एल प्लस एल प्लस एल कितना हुआ है 3L, है ना, और 2 बार है ये, तो डायरेक्ट इसको 6L भी लिख सकते हैं आप, 6 इंटू जो भी साइड है, 6 इंटू साइड, इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इस तरीके से करिए। तो 250 इंटू 50 यानी कि 2 इंटू 7500, 15,000 आपका आ गया। किसका साइड बड़ा है और किसका एरिया बड़ा है, आपको यहां कम सामान लगेगा 14,800 में। अब सूटकेस है, इसका मेजरमेंट है 80 इंटू 48 इंटू 24, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ये होता है। ये कवर्ड हुआ, इट इज टू बी कवर्ड विद अ टार्पोलिन क्लॉथ, यानी कोई भी क्लॉथ हो सकता है, इसको आपको कवर करना। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ दिस क्लॉथ ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस, सूटकेस को कवर करने के लिए अगर उसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर है, 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितना लगेगा। इसके लिए भी सरफेस एरिया पर जाएंगे, सबसे पहले 80 48 24, ये आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लगा देंगे। ये निकालते ही आप देखेंगे कि आपका जो सरफेस एरिया आ गया सूटकेस, एक सूटकेस बॉक्स का 13,824 आ गया। अब एरिया जो क्लॉथ का है वो इक्वल होना चाहिए सरफेस एरिया सूटकेस का, ताकि वो कवर कर सके, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ 13,824 के बराबर होना चाहिए। एक चीज तो आपको दी है 96, दूसरी आप यहां से निकाल देंगे, एल निकालेंगे, 13824 को डिवाइड कर दीजिए 96 से, आपका 144 आ जाएगा, यानी कि आपका लेंथ कितना है 144। अब रिक्वायर्ड कितना क्लॉथ चाहिए 100 सूटकेस के लिए, 144 इंटू 100, दैट इज 144 मीटर। इसका मतलब यह है कि पूरा क्लॉथ जो 100 सूटकेस को कवर करने के लिए चाहिए वो बनेगा 144 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज दिस। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, सरफेस एरिया हमारा 6L² होता है। ओके, आपने देखा था यहाँ पर, मैंने जो बताया था इसमें एक चीज और जोड़ दूं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि ये L है, तो ये दोनों मिला के L² होगा, ये भी L² होगा, ये भी L² होगा, यानी कि 3L², तो 2 बाहर है, 3L² यानी कि 6L², तो ये जो 6 साइड बताया था इसको आप समझिए 6 साइड स्क्वायर, इसको करेक्ट करते हैं हम लोग 6L², ठीक है। अब हम उस क्वेश्चन पे जाते हैं, तो यहाँ पर 6L² को बराबर करिए 600 से, 6 और ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, एल आपका आ जाएगा, इसका रूट लेंगे स्क्वायर रूट, यानी कि 10 आ जाएगा, तो साइड क्यूब का 10 सेंटीमीटर। अब रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ अ मेजर, इसका मेजर क्या है, 1 मीटर बाय 2 मीटर इंटू 1.5 लेंथ ब्रेथ और हाइट। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, कितना उन्होंने कवर किया बॉटम को छोड़ के। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि दो तरीके हैं इसके, पूरा एरिया निकाल लीजिए, ओके, पूरा सरफेस एरिया निकाल लीजिए 2 इंटू बी एच प्लस एच एल प्लस एल बी करके पूरा एरिया निकाल लीजिए, और पूरा के बाद केवल 1 इंटू 2 इंटू 5 ये एक माइनस कर दीजिए इसमें, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ 1 इंटू 2, हाइट नहीं आएगा इसमें, यानी कि एल इंटू बी, तो इसका सरफेस एरिया केवल देखिए केवल ये एल बी माइनस होगा इसमें से। एक तरीका तो ये है, मैं फिर से समझाता हूं आपको, हमारे पास क्या है, अगर आपको याद है तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, क्योंकि हम कुछ अलग नहीं करना चाहते, हम जो चीज याद हमने की है उसी से करना चाहते हैं, तो हम ये याद कर ली, ये इसको निकाल लेंगे, बस एक 1 इंटू 2 वाला जो साइड है वो तो नहीं किया इन्होंने, तो माइनस एक साइड 1 इंटू 2 वाला कर दीजिए बस। और यहां पर क्या किया इन्होंने,
क्या किया है कि सारे साइड की जगह केवल वो साइड है जिसको उन्होंने पेंट किया है ना, एक दो एलबी की जगह एक एलबी जोड़ दिया, तो एक एलबी किया नहीं ना, इसलिए एक एलबी को जोड़ा, बाकी तो सारे साइड ले लिया। तो बस इस तरीके से कर लीजिए, आपका आएगा 11 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है डेनियल। डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ हाइट, एलबीएच दिया हुआ है 15, 10 और 7। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट, जो कैन है पेंट का, 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम, कितने उनको कैन चाहिए ताकि वो पेंट कर सके रूम को। तो हर एक कैन 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकती है। पहले तो आप एरिया निकाल लीजिए इसका, 15, 10 और 9। अब देखिए जो कैन होता है उसके नीचे वाला एरिया नहीं होगा पेंट ना, बाहर का एरिया हो, तो वॉल और सीलिंग इन्होंने कहा है नीचे का नहीं होगा, इसलिए क्यूबॉइडल हॉल को बेस नहीं होगा, बाकी सारा साइड हो जाएगा। सीधा आप पहले जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया 2 × BH + HL और LB, ये कंप्यूट कर लीजिए कितना है 500 मीटर स्क्वायर। एक कैन में कितना है 100, एरिया कितना है 500, 500 × 100 इज 5 कैन, 5 कैन इसका आंसर है। आपको डिस्क्राइब करना है किस तरीके से जो दो फिगर है ये बिलो अलाइक, कैसे एक जैसे हैं कैसे अलग है। विच बॉक्स हैज लार्जेस्ट लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है। देखिए पहली बात तो ये देखिए, इसमें ये 7 इसका डायमीटर है यानी कि रेडियस 7/2 हो जाएगा, आधा करते हैं। हाइट कितना है 7, हम जानते हैं कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है यानी कि ये वाला एरिया ओके वो होता है 2πr, 2 × 22/7, आर हमने अभी अभी 7/2 निकाला, हाइट हमने 7 यहाँ पर देखी, तो 154 cm² आएगा। और जो क्यूब का होता है उसका लेटरल सरफेस क्या होता है 4L² लेटरल सरफेस एरिया, क्यों ये वाला, अगर आप ये भी दोनों भी जोड़ देंगे तो 4L² + L² + 2L² यानी कि 6L² आएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 6 × sin², तो ये आ जाएगा 4 × 49, 154 और 196 क्यूब का ज्यादा लेटरल सरफेस एरिया है। अगला क्वेश्चन है कोल्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस आर, 7 मीटर इसका रेडियस है, हाइट इसकी 3 मीटर है, इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, एक शीट, एक मेटल की शीट है, उससे आपने एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बना दिया, रेडियस उसका 7 मीटर है, हाइट उसकी 3 मीटर है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितनी मेटल शीट जरूरत होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस तरीके से बनाया है, तो ये होता है क्योंकि हमको रेडियस और हाइट ऑलरेडी पता है और हम जानते हैं टोटल सर्फेस एरिया उसका होता है, अभी हमने केवल 2πr लिया था लेटरल सर्फेस एरिया, लेकिन हमको ये पाई आर, ये वाला और ये वाला भी एरिया यूज करना पड़ेगा, लेकिन 2πr, तो 2πr + 2πr क्या होता है 2πr h + r। हाइट और आपको रेडियस पता है, इसको आप 44 × 10 करिए, 440 मीटर स्क्वायर मेटल शीट जरूरत होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में है डेल्टा सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर का 4224 है, यानी कि 2πr h आपको मिला हुआ है, 4224। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्मड अ रेक्टेंगल शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर, इसको काटा गया और इसको रेक्टेंगल बना दिया गया जिसकी विड्थ 33 है। आपको लेंथ नहीं पता तो इस एरिया से हम इसे इक्वेट करेंगे, फिर फाइनली जो आपको लेंथ मिलेगी उससे हम पेरीमीटर निकाल लेंगे रेक्टेंगुलर शीट का। तो 4224 आपके पास है और हॉलो जो हाइट है हॉलो सिलेंडर की वो भी 33 आपको मिली है। आप जानते हैं 2πr h क्या होता है, 4224, तो 2πr h हम लिख देंगे, इससे हमको रेडियस मिलेगा, आर मिलेगा, यानी कि आर क्या आ जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे आर ये आ गया। लेकिन देखिए जो लेंथ है रेक्टेंगुलर शीट का, एक रेक्टेंगुलर शीट जब ये सिलेंडर से कटके, सिलेंडर से कटके बनी है, यहां से कटके बनी है ना, तभी तो ये लेंथ बना। तो बेसिकली ये क्या है, ये तो 2πr के बराबर है, तभी तो ये कटके एक पूरी खुल जाएगी, ये 2πr है, इसलिए लेंथ रेक्टेंगुलर शीट की 2πr है। तो इसको 2πr आर तो अपने पास ये है 2 × π × r, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 64 × 2 = 128 आ जाएगा। पैरामीटर क्या होता है 2 × L + B, लेंथ आपको 128 बताया अभी अभी हमने निकाला, ये जो मैंने बताया था कि लेंथ निकलेगा और आपको विड्थ तो खैर आपको यहाँ पर ब्रेथ पता ही है 33, 2 × L + B ये पैरामीटर होता है, ये आपका 322 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एक रोड रोलर 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है टू मूव वंस ओवर टू लेवल अराउंड, एक बार को लेवल करने के लिए 750 रेवोल्यूशन लेता है क्योंकि ये सर्कल की तरह है, तो 2πr इसका हमारे पास सर्कमफेरेंस होता है, एरिया भी देख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर, तो हमारे पास क्या है डायमीटर दिया है, डायमीटर से सीधा रेडियस निकालिए 84/2, लेंथ रोड रोलर का कितना है 1 मीटर, यानी कि इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर कर दीजिए। कर्व सरफेस एरिया रोड रोलर का क्योंकि ये किस फॉर्म में है, एक
एपिसेंटर के फॉर्म में, तो 2 पाई एच, ये वैल्यूज आपको पता ही है 42 और ये एच 100, तो 2640 आ गया। 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन एरिया कवर होता है, यानी कि 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2640 को 1980 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा पूरे रोड का। क्वेश्चन नंबर 10 में है, द कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। बेस 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 14/2 यानी कि 7। हाइट इसकी दी है 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर, इस तरीके से लेबल लगाती है। लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, यानी कि 2 यहां से छोटा छोड़ा हुआ है, यहां से 2 छोड़ा हुआ है। आपको एरिया निकालना है लेबल का, इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये भी सिलेंडर तो है, एक तरीके से इसका लेटरल सरफेस निकालना है 2 और 2 माइनस करके, यानी कि इसको जब लगाएंगे तो डायमीटर तो इसका ये रहेगा, रेडियस ही रहेगा, तो डायमीटर आपको क्योंकि 14 मिला है, रेडियस इसका 7 आ जाएगा। हाइट जो है इसकी कितनी होगी 20, लेकिन 2 यहां से छोड़े तो 20 - 2 - 2 कितना हो गया 16। तो सीधा आप लेटरल सरफेस से निकालिए 2πRH, किस एच से निकालेंगे आप 16 से निकालेंगे 2 × π × r × h 704। तो एरिया जो लेबल है 704 सेंटीमीटर। तो ये कुछ और क्वेश्चन हुए आपके मेंसुरेशन के, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी।